हेलो एवरीवन, टेक विद सैम में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा थंबनेल है वो है हाउ टू चेंज लॉग इन एंड नो लॉग इन परमिशन। ओके, कि जैसे कि अभी लॉग इन एंड नो लॉग इन परमिशन क्या होती है कि जैसे कि रेड हैट में आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हो लेकिन आपको एक्सेस ही नहीं मिल रहा है। ओके, एक होता है जैसे कि आपका पासपोर्ट है, ओके, एयरपोर्ट में आपका पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाता है या फिर एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उस केस में भी हम कर सकते हैं। या फिर आपका आई कार्ड गुम गया, ओके, उस केस में ये सिचुएशन है। ओके, ऐसी सिचुएशन हम देखने ले, और अगर आपको कि ये एरर आता होगा, दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल। ओके, तो देखते हैं कि क्या है रेड हैट में, हम कैसे कर सकते हैं। कि सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू गिव यूजर नो लॉग इन परमिशन। ओके, तो उसका जो कमांड है आप देख सकते हो, यूजर मोड स्पेस हाइपन यस स्लैश यस बिन स्लैश नो लॉग इन स्पेस यूजर नेम। ओके, तो देखते हैं रेड हैट में क्या करता है एक्चुअल में। कि जैसे कि मैं जाता हूँ रेड हैट में और इसको हटा देता हूँ। ओके, और ये भी याद रखना है जो परमिशन है ये कौन दे सकता है, यूजर रूट हमारा। तो मैं रूट से लॉग इन हूँ। ओके, तो आपको भी रूट से ही लॉग इन होना है। तो मैं चाहता हूँ टर्मिनल ओपन हो रहा है हमारा, देखते हैं हम क्या 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 कर सकते हैं। ओके, थोड़ा साइज इसकी हम बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैं कर लेता हूँ इसकी साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, तो सिंपली आप इधर तो देख सकते हो रूट यूजर है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉग इन एंड नो लॉग इन परमिशन क्या होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एस यू करते हम एस यू सैम। ओके, अभी सैम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने यूजर चेंज किया है, तो यूजर है हमारा टी डब्ल्यू एस, एस यू टी डब्ल्यू एस किया। ओके, अभी इधर क्या है, लॉग इन परमिशन है इस यूजर को। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। ओके, तो उस केस में मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरा यूजर है ये लॉग इन ना कर पाए, ना ही ग्राफिकली लॉग इन कर पाए, ना ही टर्मिनल लॉग इन कर पाए। ओके, तो इस केस में मैं इसका शेल चेंज करता हूँ, यूजर मोड हाइपन यस, इसको शेल बोलते हैं हम। ये जो है बैश टर्मिनल इसको शेल बोलते हैं। ओके, तो इसका बाय डिफॉल्ट जो शेल होता है वो होता है स्लैश बिन और बैश। ओके, जो हम देखेंगे अभी। और जैसे कि मैं इसका करता हूँ शेल चेंज, और उसका मैं कर लेता हूँ यस बिन स्लैश नो लॉग इन। ओके, एक फाइल है और जो यस बिन में एक फाइल है नो लॉग इन की, उसमें वो मैसेज है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले वो मैसेज दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कमांड बता दूंगा। ये देखो मैं कर रहा हूँ इंटर, और नो थोड़ा सा गलत हो गया। ओके, यस, अभी देखो मैं करता हूँ उस फाइल को रन, स्लैश बिन स्लैश नो लॉग इन। ओके, यस, गलत हो गया है हमारा, क्योंकि ये देखो यस बिन है। ये देखो उस फाइल को मैंने जब रन किया तो उस फाइल के अंदर क्या है, दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल। तो ये हम उसको देना चाहते, ये शेल हम चेंज करेंगे उस यूजर का। ओके, तो उसका करंटली जो शेल है वो हम देखते हैं कि क्या है। तो मैं चाहता हूँ हाइफन टू कर लेता हूँ स्लैश etc पास wd। तो उसका जो शेल है ये देखो स्लैश बिन और बैश, इसके कारण वो लॉग इन कर पा रहा है। तो अभी हम इसको चेंज कर देंगे और ये कर देंगे एस बिन और नो लॉग इन, जिससे कि वो लॉग इन नहीं कर पाएगा। ओके, ना ही ग्राफिकली और ना ही टर्मिनल लॉग इन। ओके, तो अभी करते हैं हम। तो मैं इधर का मन चला था यूजर मोड स्पेस हाइपन यस स्लैश यस बिन स्लैश नो लॉग इन। ओके, इतना करने के बाद हमें जो यूजर है उसका नाम डालना है, जैसे टी डब्ल्यू एस यूजर है हमारा, और इंटर कर लेते हैं। ओके, अभी हो चुका है। अभी चेक करने के लिए एक बार मैं फिर से जाता हूँ टेल हाइपन टू, और ये देखो स्लैश एस बिन नो लॉग इन, अभी ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो मैं इधर करता हूँ एस यू, ये देखो एस यू टी डब्ल्यू एस। तो ये देखो क्या आ रहा है मैसेज, दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल। ओके, अभी आप इसको ना ही टर्मिनल लॉग इन कर पाओगे, ओके, ना ही ग्राफिकल लॉग इन कर पाओगे, दोनों नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो चीज है, अगर ये आप रूट के साथ करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, रूट से लॉग इन नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऐसा हो चुका है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन क्या है। ओके, तो कमेंट जरूर कर लेना अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो। ओके, तो अभी मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट, अभी इसको ठीक कर लेते हैं, अभी हम इसको एक्सेस देते। ओके, तो उस केस में मैं क्या कर लेता हूँ, फिर से
वही कमांड देता हूँ और इधर डालता हूँ यूजर मोड स्पेस हाइपन यस, ओके। और मैंने बोला था स्लैश बिन और बैश, ये हमारा शेल है मेन, ओके। तो यही मैं देने वाला हूँ TWS और एंटर, ओके। एक बार मैं फिर से चेक करके आपको दिखा देता हूँ, टेल हाइपन टू स्लैश etc पास WD, ओके। तो अभी इसका हो चुका है, ओके, ये देखो स्लैश बिन बैश अभी इसका हो चुका है, तो उस केस में लॉगिन हम जरूर कर पाएंगे। देखो अभी हो गया लॉगिन। तो सिंपली यही हमारा जो अच्छा जो प्रैक्टिकल था, सिंपली यही था कि हाउ टू गिव यूजर नो लॉगिन परमिशन, जो हमने दिया था वो भी हो चुका है हमारा। और दूसरा ये देखो हाउ टू गिव यूजर लॉगिन परमिशन, ये भी हमने किया है, ओके। ये हमेशा याद रखना, ये रूट के साथ करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए जरूर कमेंट करना कि आपको कैसे कर दे, तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, ओके। तो चलो, क्योंकि उसमें बेनिफिट क्या होगा, अभी देखो जैसे किसी ने रूट से किया होगा तो उसको ही ना यूजर लॉगिन ही नहीं करवा रहा होगा रूट से, ओके। क्योंकि रूट से रूट पर ही वो कमांड चलती है, तो उसको एक्सेस ही नहीं रहेगा रेड हैट का। तो जरूर मुझे कमेंट करेगा अगर उसको फिर से रूट चाहिए, तो मुझे जरूर कमेंट करेगा ऐसा लग रहा है मुझे। अगर आपको भी जानना है कैसे करते हैं तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। और ऐसे ही अच्छे अच्छे रेड हैट की और नई टेक्निक देखने के लिए बने रहना मेरे साथ, मिलेंगे टेक विद सैम के साथ। चलो बाय बाय, थैंक यू।